60 वर्ष की आयु के बाद योग सहायक होता है। मैं मध्य 60 की उम्र का हूं। इस आयु श्रेणी के अपने बहुत से परिचितों व मित्रों को जानता हूं जो अपने स्वास्थ्य को महत्व नहीं देते व जीवन यात्रा में अपने व्यवसाय तथा अतिरिक्त गतिविधियों के साथ व्यस्त हैं। शायद स्वास्थ्य में गिरावट आने पर और अच्छा स्वास्थ्य जाने के बाद ही इन्हें इसका महत्व दिखे। हम में से बहुत से लोग अपनी प्रशंसनीय उपलब्धियों, स्टेटस और आर्थिक बढ़ोतरी के चक्कर में स्वास्थ्य को अनदेखा कर देते हैं, पर कब्रिस्तान या शमशान में सबसे अमीर आदमी कहलवाने का क्या लाभ, या अपने व्यावसायिक शिखर पर एम्बुलेंस से पहुंचने का कोई औचित्य है क्या, या फिर किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त एक लंबी टू डू लिस्ट लिए हुए क्या करना, इन सब का कोई औचित्य नहीं। अच्छे स्वास्थ्य की अनिवार्यता हम में से बहुतों को तभी पता चलती है जब कोई गंभीर बीमारी हो जाए। अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य का जीवन की यात्रा में ध्यान रखें। योग हमारी आयु वर्ग के लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य का समाधान है। यह शरीर को मन में तथा मन को शरीर में समाकर शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से सहायता करता है। शारीरिक तौर पर, ऑन द फिजिकल फ्रंट, शारीरिक तौर पर योग कैसे मदद करता है? योग सभी अंगों को समयोजित करते हुए अंदर से क्लींजिंग, हीलिंग, स्टिमुलेशन, रिजुविनेशन और रीजनरेशन बायोकेमिकल लेवल पर करता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हर मसल, लिगामेंट आदि को टोन करते हुए शरीर की टेनिसिटी, शरीर की तंदुरुस्ती बढ़ाता है। योग मानसिक तौर पर कैसे मदद करता है? हाउ डज इट हेल्प ऑन द मेंटल फ्रंट? 60 वर्ष की उम्र के बाद कुछ लोग अपने आप को बेकार समझते हुए उदास रहते हैं। योग बुद्धि के एनालिटिकल एंड क्रिएटिव साइड, विश्लेषणात्मक व रचनात्मक भाग को प्रभावित करते हुए उन्हें मिलकर कार्य करवाता है। भ्रम को दूर करते हुए आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है और आध्यात्मिक रूप से उत्थान करता है। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में जीतने का जुनून आक्रात्मकता व हिंसा बढ़ाता है और योग ठीक विपरीत सकारात्मकता की उछाल देता है। भावनात्मक रूप से योग कैसे मदद करता है? हाउ डज योग हेल्प ऑन द इमोशनल फ्रंट? योग के द्वारा अपनी सभी शिकायतें, भय, लालच, हवस आदि श्वास के माध्यम से बाहर कर देते हो और भी जो हानिकारक तत्व हो वे बाहर आ जाते हैं। योग तुम्हें कोमल हृदयी, परोपकारी व कर्तव्य निष्ठ बनाता है। योग के अलावा भोजन व आहार की स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तुम्हारा आहार केवल वह नहीं होता जो तुम खाते हो, जो तुम देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो और तुम्हारी कंपनी, वह भी आपका आहार है। अपनी आत्मा की खुराक पर भी ध्यान दें और ना केवल भोजन पर।